हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपका यूपी टीजीटी के न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं सितंबर मंथ के। जिनको एडमिशन चाहिए वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करना होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करना होगा। इस नंबर पे फ़ीस आपकी 950 रुपये है। यूपी, ये यूपी टीजीटी की क्लासेस हैं। फ़ीस आपको एक बार पेमेंट करनी है और इसमें आपका यूपी टीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कॉल करके पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। क्लास आपको व्हाट्सअप पे प्रोवाइड कराई जाएगी। जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको सिर्फ ये क्लास मिलेगी। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा यूपी टीजीटी का पूरा लैंग्वेज सीरियस से। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने की डेट आपकी 31 अगस्त और 1 सितंबर है। 2 सितंबर से आपके क्लासेस स्टार्ट हो रही है। फ़ीस आप पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 7, सिलाई कला। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये देखिए, ये है सिलाई मशीन। ये क्या है? सिलाई मशीन। सिलाई करा क्या है? देखिए क्या होता है, अगर कपड़े फट जाते हैं, सिलाई खुल जाती है, तो उन्हें ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। किसी कपड़े को नाप के अनुसार काट कर उसे सुई धागे द्वारा हाथ अथवा मशीन से जोड़ना ही सिलाई कला है। अगर कोई कपड़ा है वो फट जाए या उसकी सिलाई खुल जाए तो उसे ठीक करेंगे तो ये क्या है? सिलाई कहलाती है। और किसी कपड़े को, कोई कपड़ा लेके उसको नाप के अनुसार काट ले, फिर उसे सुई धागे द्वारा हाथ या मशीन से जोड़ ले, तो ये सिलाई कला कहलाती है। सिलाई करने के लिए कपड़ा काटने, खाका बनाने व उसकी विधि को जानना आवश्यक है। तो कपड़ा काटना, कैसे कपड़ा काटते हैं, खाका कैसे बनाया जाता है काटने के लिए, और उसकी विधि को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। सिलाई की 2 विधियाँ होती हैं, एक होती है आपकी प्रत्यक्ष नाप, दूसरी होती है वज या सीट की नाप से नाप निकालना। तो पहले तो देख लेते हैं, ये देखिए, ये आपकी प्रत्यक्ष और ये आपकी वज व सीट की नाप है। आप समझते हैं आगे की। तो सिलाई की 2 विधियाँ होती हैं, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरी वज या सीट की नाप से नाप निकालना। प्रत्यक्ष नाप में, इस विधि में शरीर के अंगों की नाप इंची टेप से ली जाती है, इंची टेप से नाप ले लेते हैं। इसमें वज या सीट की नाप में नाप से नाप निकालने के लिए, तो इस विधि में किसी व्यक्ति के वज या सीट की नाप से ही पूरी नाप निकाल ली जाती है, या तो वज की या सीट की नाप, ठीक है, पूरी नाप निकाल ली जाती है। सिलाई के उपकरण, तो सिलाई करने के लिए कुछ उपकरण की ज़रूरत होती है, वो तो कैंची, फीता, इंची टेप, अंगुलस्ताना, खड़ियाँ अथवा मिल्टन चौक, मशीन, सुई, हाथ की सुइयाँ, धागा, स्केल, सिलाई मशीन, बांस पेपर अथवा अखबार, गुनिया, प्रेस आदि सिलाई उपकरण की ज़रूरत होती है। सिलाई के प्रकार, तो हाथ से बखिया करना, काँच करना, पैबंद लगाना यानी पैच लगाना। फिर से देख ले, आपकी जो ये प्रत्यक्ष नाप ये है, ये आपकी वज की और ये आपकी सीट की नाप। तो मतलब वज और सीट की नाप एक ही है, तो प्रत्यक्ष और ये वज और सीट की नाप है, इसी से और चीज़ की नाप लगा ली जाती है। हाथ से बखिया करना,
तो इसमें क्या होता है, बकिया के टाके हाथ से भी डाले जाते हैं। तो बकिया के टाके किससे? हाथ से डाले जाते हैं। बकिया के टाके एक दूसरे के बराबर होते हैं, इससे सिलाई पक्की और मजबूत होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा, बकिया के टाके हाथ से डाले जाते हैं, बकिया के टाके एक दूसरे के बराबर होते हैं, इससे सिलाई पक्की और मजबूत होती है। फिर आपका आता है काज बनाना। तो काज बनाने से पहले काज बनाना होता क्या देख ले। तो ये देखिए, ये एक कपड़ा है, इसमें ऐसा निशान लगा लिया, ये कपड़ा है ऐसा सीधा सा, इसमें हमने क्या ऐसे ऐसे करके निशान लगा लिया, फिर इस कपड़े को फोल्ड कर लिया और ये काट दिया। जब काट दिया तो ये ऐसा बन गया और इसमें ऐसे करके काज बना दिया। जो बटन नहीं डालते हम लोग, जिसमें शर्टों में देखिए आपकी होगी बटन, जिसमें डालते वो काज ही तो होता है। तो काज ये है, काज बनाने की प्रक्रिया। तो देखते हैं, ये है पूरी काज। उन्हीं कपड़ों में बनाते हैं जिनमें बटन लगाया जाता है। जिस कपड़े में काज बनाना हो उस कपड़े में आवश्यकता अनुसार उचित स्थान पर कैंची से कपड़ा मोड़ कर बटन के हिसाब से काटते हैं। काटने के बाद उस स्थान से थोड़ी दूरी पर सबसे पहले किनारे किनारे कच्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी दूरी पर कच्चा कर लेते हैं किनारे किनारे, इस बात को ध्यान रखिएगा। काज बनाते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए, तो काज बनाते समय हमें इस बात को बिल्कुल माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है कि एक किनारा गोल व दूसरा नोकदार हो। एक किनारा कैसा हो? गोल हो। और दूसरा कैसा हो? नोकदार हो। काज भरने के लिए सुई में दोहरा धागा डालकर कच्ची की गई लाइन से थोड़ी सुई निकाल के, तो क्या कहते हैं, काज भरने के लिए हम क्या करेंगे, सुई में क्या करेंगे, दोहरा, एक कहरा नहीं, दोहरा धागा डालकर कच्ची की गई लाइन से थोड़ी सुई निकालकर धागे को सुई की नोक के आगे से घुमाकर पूरी सुई निकाल लेंगे। तो ऐसे क्या बनेगा आपका, काज। फिर पैबंद लगाना, पैच लगाना क्या होता है, कभी कभी वस्त्र ऐसे फटते हैं कि उन्हें सिला नहीं जा सकता। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैच लगाना या पैबंद लगाना होता क्या है, तो ज़रा समझ में आएगा। तो ये आपका पैबंद या पैच लगाना, कभी कभी फट जाते हैं तो ऐसे डिजाइन बना के हम उसे भर देते हैं। तो ये आपका पैबंद या पैच बनाना, आप समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कभी कभी वस्त्र ऐसे फटते हैं कि उन्हें सिला नहीं जा सकता, ऐसी दशा में उस फटे हुए कपड़े में चिप्पी या पैच लगाया जाता है। तो चिप्पी लगा देंगे या पैच लगा देंगे। पैच कई तरह से लगाए जाते हैं, या तो गोल, त्रिकोण, चकोर। पैबंद लगाने के लिए यानी पैच लगाने के लिए जिस रंग का कपड़ा फटा हो उसी रंग के कपड़े का पैच लगाया जाता है, तो मैचिंग हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। जिस आकार में कपड़ा फटा हो उसी आकार में पैच लगाना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जिस आकार में कपड़ा फटा हो उसी आकार में पैच लगाना चाहिए। पैच वाला कपड़ा बड़ा फटे हुए वस्त्र पर काटे गए पैच को उल्टी तरफ चारों ओर मोड़ कर रखेंगे और तुरपर कर देंगे। तो पैच वाले कपड़ा बड़ा फटे हुए वस्त्र पर काटे गए जो पैच को क्या करेंगे, उल्टी तरफ रख कर चारों ओर से मोड़ कर तुरपन कर देंगे। सीधी तरफ से कपड़े को अंदर की तरफ बराबर बराबर मोड़ कर तुरपन करेंगे। और फिर क्या करेंगे, सीधी तरफ से कपड़े को अंदर की तरफ बराबर बराबर एकदम इक्वल में मोड़ कर हम क्या करेंगे, तुरपन करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। काज में क्या होता है, एक कपड़ा है, इसमें ऐसे करके निशान बना लिया और इस कपड़े को ऐसे करके फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद कैंची से ऐसे काट दिया। जब कैंची से ऐसे काट दिया तो उसके बाद हमने इसमें काज बनाया। इसी में बटन डाली जाती है ना, इसको
समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो आप शर्ट उठाइएगा, बटन देखिएगा, उसके सामने काज होगी, बस समझ जाएगी वही काज है। काज बनाने की ये प्रक्रिया है। फिर ये पैबंद या पैच लगा बनाने के तरीके, तो ये आपके जब कोई कपड़ा फट जाता है तो उसी की नाप का, उसी की डिजाइन का हम पैच लगा देते हैं, कतरन लगा देते हैं, जिससे वस्त्र जो फटा है उसकी सिलाई भी हो जाए और वस्त्र देखने में आकर्षक भी लगे। तो ये कई तरह के आते हैं, गोल, चौकोर, त्रिभुज के आकार में, इसे कई तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये पैबंद या ऐसे पैच बनाने के तरीके भी कहते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक जो सिलाई कला है फिनिश होता है। कल मिलते हैं रात 10 बजे लाइव क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। और बच्चों तक भी शेयर करें, उन्हें बताएं सितंबर शिल्पी चैनल पे होम साइंस की क्लासेस चलती हैं, जिससे कि वो लोग भी क्लासेस कर सके। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ रात 10 बजे आपकी क्लास 6 से 12 क्लास की समरी होती है। धन्यवाद।